सोलन नगर निगम चुनाव की सुख बुगाहट में आरंभ हो चुकी है। राजनीतिक दल पार्टियों के मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। उनके पार्टी के प्रत्याशी विजय हासिल करें, इसके लिए कौन सा प्रत्याशी उपयुक्त होगा ये भी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन भी इन चुनावों को सफल बनाने के लिए जुट चुका है। जहां एक और दिन रात एक कर वोट बनाने की प्रक्रिया चल रही है, वहीं आने वाले समय में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे इसके लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि कुछ समय बाद सोलन में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव पारदर्शिता से हों और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सोलन को सेक्टर्स में बांटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि चुनावों के समय में करीबन 100 पुलिस कर्मियों को सोलन के विभिन्न वार्डों और बूथों पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावों के समय किसी भी हालत में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इलेक्शन आए हैं, इसके लिए हम पुलिस फोर्स डिप्लॉय भी करेंगे, नाकाबंदी करेंगे और जो तस्करी करने वाले शराब की या कोई कंट्राबैंड और जो नशीले हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसमें अभी तक इसमें करीब करीब हम 100 के आसपास जो है ड्यूटीज डिप्लॉयमेंट करेंगे, जो नाकाबंदी भी करेंगे एंड होटल ढाबा चेकिंग भी करेंगे और जो बूथ होंगे उन पर भी ड्यूटी करेंगे।